2002 या वार्डच्या नगरसेविका आहेत परवीन निसार शेख। आपण खरंच जाणून घेऊया या वार्डातील नगरसेवकांचे या वार्डाकडे लक्ष आहे का, जर काही समस्या असतील तर आपण विचारून घेऊया। आपल्यासोबत आहेत अशफाक हसन शेख। तर अशफाक भाई, या वार्डामध्ये तुम्ही कधीपासून राहता? आम्हाला राहायला कमी 7-8 वर्ष झालेले आहे। आम्ही वारंवार पाठपुरावा केला, अर्ज केलेले आहे, आमची कोणतीही समस्या आलो नव्हती। निसार भाई शेख यांना आम्ही सांगून आमचे लाईटीचं काम केलं, पाणी प्रश्न सोडवला, रस्ते आणि गटरी अजूनपर्यंत थांबलेले काम बाकी आहे। म्हणून आम्हाला विनंती आहे त्यांच्याशी की त्यांनी पाठपुरावा करून आमचे रस्ते गटरी हे कामात लवकरात लवकर दखल देऊन आम्हाला सवलत देण्यात यावी। निसार भाई यांच्या पाठपुराव्यामुळे या शहरातील लाईटचा प्रश्न फार गंभीर होता, तो सुद्धा दूर झालेला आहे आणि पिण्याचा पाण्याचा प्रश्नसुद्धा निसार भाई निंबवले, म्हणजे अर्थात परवी निसार शेख यांनी पाठपुरावा करून या वार्डासाठी करून दाखवले आहेत। त्याचबरोबर आपल्यासोबत आहेत याच वार्डातील रहिवासी, आपलं नाव काय? गफारभाई खलिफा। गफारभाई खलिफा आपल्यासोबत आहेत। तर या वार्डात आपण कधीपासून राहता? 8 वर्ष झाले आम्हाला। अच्छा, तर या वार्डाकडे यापूर्वी काही नगरसेवकांनी काही लक्ष दिलं होतं का? आमच्याकडे जो आहे सेवक ध्यान देतो आमच्याकडे, पण थोडा जो आम्हाला सुविधा नाही भेट राहिले त्याच्यामुळे जो आहे ना आम्हाला फार तकलीफ होऊ राहिली। आमचे मुळे बाळे जो आहे लई आजारी पडे राहिले, यांना लई तकलीफ आहे। आम्हाला जायला यायला बी रोड नाही आहे, पाणीची सुविधा आहे पण जो स्वच्छता आहे ते नाही आहे। या वार्डाकडे पाण्याचा प्रश्न वगैरे सर्व व्यवस्थितपणे आहेत, परंतु यांचं म्हणणं आहे की वार्डामध्ये साफसफाईचे कर्मचारी आले पाहिजे। पोलीस टाइम न्यूजसाठी काजी सलीम येवला। आपण आहोत वार्ड नंबर 2 आणि वार्ड नंबर 2 या आजीबाईंना आपण विचारूया का या वार्डातील समस्या कशा आहेत। खाला आप कब से रहते हैं यहाँ? हम 25 साल से यहाँ रहते हैं। अच्छा, ये वार्ड का बहुत अच्छा है। अच्छा। सब कुछ है और हमारे निसार हम जो भी बोले वो काम हमारा करता। अच्छा, ये वार्ड के अंदर पहले हालत कैसे थी वार्ड की? बहुत गंदे हालत थे, पूरा चिक्कड़ ही चिक्कड़ था, हमको चलते नहीं आता था, पानी का हमको इतनी परेशानी थी, गटर थे नहीं थे, फिर उन्होंने सब बनाए हमारे वास्ते, लाइट के खम्भे एक से एक लाइट डाले हमारे को, उजाला ही उजाला है, हम बहुत दुआ देते हैं उसके वास्ते। अच्छा, तो इससे पहले बिजली थी कि पहले इधर वार्ड के अंदर? नहीं नहीं थी, बारीक बारीक लाइट थे, लाइट नहीं आती थी, लाइट आती थी, हमको पानी नहीं मिलता था, बहुत परेशानी थी हमारे को। पाइपलाइन डाले फिर उन्होंने, अभी डाले देखो, अभी काम चालू हुआ, पानी की हमको बहुत अच्छी वो कर दिए। या वार्डातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुद्धा निसार भाई निंबूवाले अर्थात परवीन निसार शेख नगरसेविका यांच्या माध्यमातून भुजबळ साहेबांच्या प्रयत्नातून, भुजबळ साहेबांचं योगदान फार आहेत या वार्डावरती, तर त्याच्या माध्यमातून त्यांनी 2 कोटी रुपये ह्या वार्डासाठी खर्च केलेले आहेत। आता आपण वळतो आहोत या शहरातील हाफिज साहब आहेत त्यांच्याकडे। हाफिज साहब, इस वार्ड के बारे में आप क्या बोलेंगे? इस वार्ड के बारे में तो मैं ये बताऊँगा कि वार्ड नंबर 2 के उम्मीदवार जो है तो निसार भाई निंबू वाले, इनके काम को देख कर तो ऐसा लगता है कि जैसे क्या बोलते रहे, हमने बहुत बेहतरीन शख्स को का इंतखाब किया ताकि हमारी गली के अंदर जो है तो डिलीवरी का केस हो, दवाखाने का केस हो, या फिर क्या बोलते रहे नल रोड पर गंदगी हो और गटर भर रही नहीं हो, तो ये मेंबर साहब ने ऐसी कोशिश की है कि अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सफाई भी रहती है और किसी तरह की यानी गंदगी नहीं होती है। और जब भी मेंबर साहब को याद करो तो वो अपने काम को छोड़कर फौरन जो है तो हाज़िर हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि उनके ही घर का काम बोल रहे हैं। और इसी तरह से मेंबर साहब जो है तो हर काम के अंदर सबसे आगे रहते हैं। कभी शादी रही तो पानी के लिए उनको फ़ोन किया जाए तो फौरन जो है तो सुबह ट्रैक्टर लेकर पानी लेकर आ जाते हैं और उसका कोई पैसा भी नहीं मांगते हैं। और उसके बाद में साफ़ सफाई के लिए लोगों को म्युनिसिपैलिटी से लेकर आते हैं और साफ़ सफाई जो है तो अच्छी तरीके से करा देते हैं, उसका भी कोई यानी मुआवजा नहीं होता है। मसलन के निसार मेंबर साहब जब से आए हुए हैं पहली मर्तबा चुनकर आए और इतना काम करे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आगे भी लोग उन्हीं को पसंद कर रहे हैं और उनके आने के बहुत ज़्यादा यानी क्या बोलते रहे आसार नज़र आ रहे हैं। तो मेरा कहना यही है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे ही मेंबरों को तौफीक दे के वो अपने वार्डों के अच्छे से अच्छा काम करते हैं। अतिशय चांगल्या पद्धतीने
परवीन निसार शेख आणि निसार भाई निंबूवाले यांचे कामातून त्यांच्या केलेल्या कार्यातून त्यांचा जनसंपर्क हा तगडा झालेला आहे आणि भविष्यात सुद्धा असेच यांनाच पुन्हा संधी देण्यासाठी हे लोक प्रयत्नशील राहणार असल्याचे त्यांच्या कामामुळे बोलून दाखवत आहेत। काजे सलीम पोलीस टाइम न्यूजसाठी येवला। खाल आप कहाँ रहते हैं? शाह कॉलोनी में। आपका नाम? नफीसा पठान। अच्छा, तो ये वार्ड के नगर चौक कौन है? निसार भाई निम्बूवाले। अच्छा, तो ये वार्ड के अंदर जो है तो जैसा लाइट गटार पानी रास्ते? इसके पहले कुछ भी नहीं था, निसार भाई आए ने निमड़ के जब से सब आराम है। अच्छा, तो अभी दवा खाने के वास्ते कैसे? दवा खाने के वास्ते भी आराम है, सुने के वो लगे आते थे वर तो। कौन आता? निसार भाई। अच्छा, तो दवाखाने में जैसा कोई डिलीवरी के मसले? हाँ, डिलीवरी का कोई बीमार है, एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, लेके जाते हैं। अच्छा, निसार भाई निंबूवाले यांच्याशी फार समाधानी आहेत जनता। तर उनके जो बीवी है परवीन निसार शेख, वो आते आपके पास? वो भी आते, वो भी आते, वो भी बहुत आजीजी करते, मोहब्बत से बात करते। अच्छा, तो भुजबल साहब के पास से जो भी आपके जैसा जो भी स्कीम वगैरह आती पहुँचती अब तक? हाँ, पहुँचती। अच्छा, पोलिस टाइम न्यूज साठी काजी सलीम जोला।